हेलो फ्रेंड। तो पिछले वीडियो में हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग स्टेट डायग्राम हमने देखा था, और इस वीडियो में हम जो शेड्यूलर है उसको डिस्कस करेंगे। जो शेड्यूलर है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और जो लास्ट होता है वो होता है हमारा मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, क्रिएशंस के लिए, प्रोसेस को क्रिएट करता है और क्रिएट करके मेन मेमोरी में लेकर के आने का काम करता है। मेन मेमोरी मतलब रेडी की। तो प्रोसेस क्रिएट होने से लेकर के रेडी स्टेट में लाने का काम कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है उसको कंट्रोल करता है हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, क्योंकि शेड्यूलर ही वो प्रोसेस है जो सेलेक्ट करके प्रोसेस को मेन मेमोरी में लेकर के आता है। ठीक है, तो शेड्यूलर हमारा प्रोसेस को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है मेन मेमोरी में। ठीक है, और जो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट है वो यह है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेन मेमोरी में जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस प्रेजेंट हो वो उस टाइम पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। ठीक है, सपोज करिए कि इस टाइम पे हमारा P1, P2, P3, P4 नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो है हमारा 4, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी इस टाइम पे हमारा वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट हो गया। ठीक है, जो शेड्यूलर है इसको थोड़ा सा इरेज कर लो। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सिलेक्ट्स गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड प्रोसेस। ठीक है, अगर जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है, जो शेड्यूलर है वो सिर्फ और सिर्फ आईओ प्रोसेस को ही ये शेड्यूल करके भेज दे, तो फिर हमारा कुछ कुछ जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा उसका कुछ पार्ट, और आईओ ऑपरेशन के लिए चले जाएगी, और ऐसे ही सारे के सारे जो प्रोसेस है वो हमारा आईओ बाउंड है। तो आईओ बाउंड में मोस्ट ऑफ जो टाइम होता है वो आईओ एग्जीक्यूशन में ही कंज्यूम होता है, और जो सीपीयू का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस है वो हमारा डिक्रीज कर जाता है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या जॉब शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को हम जॉब शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वही ये नीचे दिया गया कि अगर कोई प्रोसेस है कि अगर आईओ ऑपरेशंस है उसका ज्यादा है तो मोस्ट ऑफ टाइम वो अपना आईओ एग्जीक्यूशंस करने में वेस्ट कर देगी, और सीपीयू का जो टाइम है वो हमेशा वेस्ट हो जाएगा और सीपीयू आइडल पड़ जाएगा। जब आइडल पड़ जाएगा सीपीयू तो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसका जो टास्क है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड है उसको गुड कंबाइन करके ये भेजेगा ताकि हमारे सीपीयू का जो टाइम है वो कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, तो आईओ बाउंड में क्या होता है कि आईओ बाउंड में हमारा मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रोसेस होता है वो आईओ एग्जीक्यूशन से करते रहता है, और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस है, सीपीयू बाउंड प्रोसेस में मोस्ट ऑफ टाइम जो प्रोसेस होता है वो अपना एग्जीक्यूशन करते रहता है सीपीयू पर, वो लेस समय के लिए आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होगा उसमें सीपीयू का टाइम टाइम वेस्ट हो सकता है, लेकिन जो अधिकतर जो समय है वो सीपीयू का आइडल नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे जो प्रोसेस है का जो परफॉर्मेंस है, सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा हमारा। चलिए अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर देख लेते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो होता है इसको हम सीपीयू शेड्यूलर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है रेडी स्टेट से लेकर के, और रेडी स्टेट से लेकर के रनिंग स्टेट में प्रोसेस को ले जाने का काम कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को शॉर्ट टर्म शेड्यूलर STS भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम शॉर्ट में STS बोलते हैं। STS। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है इसको हम LTS शॉर्ट में बोलेंगे, और जो मिड टर्म शेड्यूलर है उसको हम MTS बोलेंगे। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है इसका इसको हम दूसरे नाम से सीपीयू शेड्यूलर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को भेजने का काम हमारा जो करता है वो हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है उसका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो काफी क्रिटिकल होता है। अगर सीपीयू जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है कुछ ऐसे प्रोसेस को वो सीपीयू को असाइन कर देता है जिसका जो वर्स्ट टाइम, जो कम्प्लीशन टाइम है वो काफी ज्यादा है, तो स्टार्ट में ही उसने
ऐसे प्रोसेस का सिलेक्शन कर लिया जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफी ज्यादा है, और जो उससे कम समय के जो भी मतलब एग्जीक्यूशन जिसका वर्स्ट टाइम कम है उसको वेटिंग क्यू में ही छोड़ दिया, वो वेटिंग वेट करते ही रह जाएगी वेटिंग क्यू में, और वो जो लॉन्ग टर्म वर्स्ट टाइम जिसका था प्रोसेस का वो एग्जीक्यूट करते करते बहुत समय लग जाएगा, और इस प्रोसेस को हम स्टारवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि द जॉब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज वेरी क्रिटिकल इफ सिलेक्शन जॉब सीपीयू वर्स्ट टाइम वेरी हाई देन ऑल जॉब्स आफ्टर दैट विल हैव टू वेट इन रेडी क्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टारवेशन। ठीक है, चलिए मिड टर्म शेड्यूलर की हम बात कर लें। चलिए मिड टर्म शेड्यूलर को हम एमटीएस बोलते हैं, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, जो मिड टर्म शेड्यूलर होता है वो बेसिकली ये जो इसका जो काम होता है ना सस्पेंशन का काम होता है, जैसे कि रेडी स्टेट से अगर कोई सस्पेंड कर रहा है तो इसको सस्पेंडेड रेडी स्टेट में भेज देगा। ठीक है, और जो वेटिंग और ब्लॉक स्टेट से कोई सस्पेंड हो रहा है तो उसको वेटिंग और ब्लॉक सस्पेंडेड स्टेट में भेज देगा। तो मिड टर्म शेड्यूलर का जो काम है वो सस्पेंशन का काम है मेन रूप से। ठीक है, और जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है इसको ये रिड्यूस करता है, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को ये रिड्यूस करता है कौन, मिड टर्म शेड्यूलर। ठीक है, क्योंकि ये जो है मेन मेमोरी से प्रोसेस को लेकर के सस्पेंडेड स्टेट में भेज देता है, तो सस्पेंडेड स्टेट में जब मेन मेमोरी से लेकर के भेजेगा किसी प्रोसेस को, सपोज करिए कि यहाँ पर इस टाइम पे बहुत सारे प्रोसेस है, सपोज करिए कि इस टाइम पे 5 प्रोसेस है, और जो ये जो है मिड टर्म शेड्यूलर एमटीएस जो है एमटीएस इस टाइम पे 2 प्रोसेस को लेकर के, 2 प्रोसेस को लेकर के भेज दिया कहाँ पे, सस्पेंडेड स्टेट में। ठीक है, दो प्रोसेस को ये भेज दिया कहाँ, सस्पेंडेड स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग जो प्रोसेस बचा वो 3 बचा, तो जो पहले इसका जो मल्टी प्रोग्रामिंग था डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग वो 5 था। ठीक है, और अब जो बचा हमारे पास वो इस टाइम पे जो हमारे पास जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बचा वो हमारे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा रिड्यूस कर देता है कौन, एमटीएस जो मिड टर्म शेड्यूलर होता है वो हमारे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस करता है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कंसेप्ट जो है देखते हैं शेड्यूलर का। ठीक है, तो चलिए शेड्यूलर को हम देख लेते हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो रेडी क्यू में जो भी प्रोसेस है उन प्रोसेस में से किसी एक प्रोसेस को पिक करने का काम करता है। ठीक है, प्रोसेस एक प्रोसेस को पिक करेगा और दे देगा किसको, डिस्पैचर को दे देगा। ठीक है, और डिस्पैचर फिर उसको डिस्पैच कर देगा रनिंग स्टेट में। ठीक है, तो जो शेड्यूलर होता है वो कंटेक्स्ट स्विच में इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, ये कंटेक्स्ट स्विच में इन्वॉल्व नहीं करता है। ठीक है, और ये कोई डिपेंडेंट नहीं रहता है डिस्पैचर के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट शेड्यूल करता है प्रोसेस को, रेडी क्यू से सेलेक्ट करेगा और डिस्पैचर को दे देगा। ठीक है, द वर्क वही यहाँ पे दिया गया है कि जो शेड्यूलर का जो वर्क है ये ओनली और ओनली ऑन जो इसका जो प्रोसेस है उसको सेलेक्ट करने का काम जो है ये शेड्यूलर का है। ठीक है, और जो शेड्यूलर का जो टाइम होता है नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, इसके टाइम को हम काउंट नहीं करते हैं किसी भी प्रोसेस के, जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं जो शेड्यूलर का टाइम होता है उसको हम काउंट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारा डिस्पैचर का है। ठीक है, चलिए डिस्पैचर को देख लेते हैं। तो जब हमारा शेड्यूलर जो होता है शेड्यूलर जॉब को सिलेक्ट करता है, तो शेड्यूलर जॉब को सिलेक्ट करके किसको दे देगा, डिस्पैच को, डिस्पैचर को दे देगा। ठीक है, तो डिस्पैचर करेगा क्या, डिस्पैचर उस प्रोसेस को लेकर के रनिंग स्टेट में भेज देगा। ठीक है, और सीपीयू को एलोकेट कर देगा उस प्रोसेस को, और सीपीयू उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो हमारा डिस्पैचर होता है, डिस्पैचर जो होता है वो जो रेडी क्यू होता है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में होता है। ठीक है, तो ए रनिंग प्रोसेस गोज टू वेटिंग स्टेट, जब कोई रनिंग प्रोसेस है वो हमारा वेटिंग स्टेट में चले जाता है, वेटिंग स्टेट में, तो हमारा सीपीयू आइडल हो जाएगा उस टाइम पे। सीपीयू क्या हो जाएगा, सीपीयू
सीपीयू जो है वो आइडल हो जाएगा। जब सीपीयू आइडल होगा तो जो डिस्पैचर है वो करेगा क्या कि दूसरे प्रोसेस को लेकर के आएगा और रनिंग स्टेट में उसको सीपीयू को असाइन कर देगा, ठीक है, सीपीयू को अलोकेट कर देगा दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। दिस स्विचिंग ऑफ सीपीयू वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस इज कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। जो सीपीयू से एक प्रोसेस का वेटिंग क्यू में जाना और दूसरे जो नए प्रोसेस है रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आना, ये हमारा जो स्विचिंग का जो कंसेप्ट है, ये स्विचिंग का जो टर्म है उसको हम कंटेक्स्ट स्विचिंग टर्म से जानते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और इसका जो ये डिस्पैचर का जो टाइम है, ये स्विचिंग करने में कुछ समय लगेगा, तो इस समय को हम डिस्पैच लेटेंसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम जानते हैं? डिस्पैच लेटेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो डिस्पैचर होता है वो हमारा ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। और डिस्पैचर जो होता है ये डिपेंड करता है हमारे शेड्यूलर पे, कि शेड्यूलर हमारा कैसे प्रोसेस को शेड्यूल करके हमको देता है, ठीक है। तो और जो शेड्यूलर था वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन ये डिपेंडेंट है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है इसका देख लेते हैं। जो शेड्यूलर होता है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन जो डिस्पैचर है, डिस्पैचर हमारा कंटेक्स्ट स्विचिंग में इन्वॉल्व करता है, और ये कंटेक्स्ट स्विचिंग का पार्ट है, ठीक है। और जो टाइम हमारा जो डिस्पैचर लेता है उस टाइम को हम डिस्पैच लेटेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है उसके जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है? कंटेक्स्ट स्विचिंग में बेसिकली यही होता है कि जो प्रोसेस, सपोज करिए कि कोई प्रोसेस हमारा रनिंग स्टेट में है सीपीयू के पास, ठीक है, रनिंग स्टेट में सीपीयू होता है, ठीक है। और कोई प्रोसेस जो है, सपोज करिए कि इस टाइम पे पी थ्री हमारे पास जो है, पी थ्री जो है वो रनिंग स्टेट में अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। इसको आईओ की नीड पड़ी, ये चले आया कहाँ, आईओ रिक्वेस्ट करें, जब आईओ की नीड पड़ी तो ये वेटिंग स्टेट में आ गया, और जब वेटिंग स्टेट में आया तो उस टाइम पे हमारा सीपीयू जो है सीपीयू आइडल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सीपीयू आइडल हो जाएगा, ठीक। जब सीपीयू आइडल होगा तो शेड्यूलर करेगा क्या, जो रेडी क्यू होगा, रेडी क्यू से एक प्रोसेस को पिक करेगा और डिस्पैचर को दे देगा। डिस्पैचर करेगा क्या, यहाँ पे हमारा डिस्पैचर करेगा इसको फिर भेज देगा कहाँ पे, इसको रनिंग स्टेट में, और रनिंग स्टेट में भेजने का काम कौन करता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एसटीएस, ठीक है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रनिंग स्टेट में भेज देगा, और यहाँ पे हमारा सपोज करिए कि इस टाइम पे पी फोर आ गए, ठीक है। तो जो ओल्ड जो प्रोसेस था वो सीपीयू से चला गया कहाँ, वेटिंग स्टेट में, ठीक है, ये पी थ्री आ गया, और न्यू प्रोसेस जो आया हमारा ये आया पी फोर, ठीक है। तो ओल्ड प्रोसेस को वेटिंग, ये रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला गया, और जो न्यू प्रोसेस है वो रेडी से रनिंग स्टेट में आया। तो ओल्ड प्रोसेस जो है अपना सारा के सारा इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करेगा, ताकि वो पुनः वापस जब रिज्यूम हो तो वो उसी स्टेज से अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जहां पे उसने टर्मिनेट किया था। तो अगर ये अपना जो एग्जीक्यूशन का जो इंफॉर्मेशन है ये पीसी भी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर नहीं करती है, तो जब वापस से इसको टाइम मिलेगा एग्जीक्यूट करने का, तो ये अपना जो इंफॉर्मेशन है ये लॉस्ट कर देगी, और जब लॉस्ट कर देगी तो फिर ये वापस से उसी स्टेज से एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो जहां तक ये प्रोसेस अपना एग्जीक्यूट कर लिया था वो इसका वेस्ट हो जाएगा, और इसमें जो है सीपीयू का फिर से टाइम वेस्ट होगा उतना प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। तो इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं क्या, कंटेक्स्ट स्विचिंग का, जब भी कंटेक्स्ट स्विच होगा तो जो पुराना जो प्रोसेस है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर लेगी और नए प्रोसेस को सीपीयू को एलोकेट कर देगा, ठीक है। तो सभी प्रोसेस का अपना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ठीक है। तो
वही यहाँ पे लिखा है हमने, तो चलिए देख लेते हैं। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है, इट इज ए टेक्निक टेक्निक यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्विच अ प्रोसेस वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ठीक है, जो नेक्स्ट यहाँ पे टर्म है, व्हेन स्विचिंग परफॉर्म ए सिस्टम स्टोर्स ऑल रनिंग प्रोसेस स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर और पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड असाइंड न्यू प्रोसेस टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस इन द सीपीयू। ठीक है, तो जो पुराने जो प्रोसेस है उसका जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव कर देगी और नए प्रोसेस को ये सीपीयू को अलोकेट कर देगी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, जब हमारा न्यू प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट कर रही होगी, उस टाइम पे जो प्रीवियस जो पुराना जो हमारा प्रोसेस था, जो ओल्ड प्रोसेस था, वो हमारा वेटिंग स्टेट में हमारा वेट कर रही होगी। ठीक है, और जब पुनः इसको जब टर्म मिलेगा तो ये वापस से शेड्यूल होकर के रनिंग स्टेट में जाएगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था। इट डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीटास्किंग। ठीक है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो मल्टीटास्किंग को फॉलो करता है। ठीक है, द सिस्टम से मल्टीपल प्रोसेस शेयर द सेम सीपीयू। ठीक है, एंड परफॉर्म मल्टीपल टास्क है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो कंसेप्ट अगर ना हो तो फिर हमारा जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग फिर हमारा परफॉर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है उसमें हमारा टाइम शेयरिंग नहीं हो पाएगा और फिर जो मल्टीपल टास्क है उसको फिर शॉर्टली जो टाइम है उसको नहीं मिल पाएगा सभी प्रोसेस को इक्वली, तो फिर प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे हमारा मल्टीटास्किंग परफॉर्म नहीं हो पाएगा सही से। चलिए अब हम देख लेते हैं ये कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो ट्रिगर है कब कब ऑन होता है। ठीक है, जब कभी हमारा सिस्टम में इंटरप्ट का रिक्वेस्ट आता है तो ये इसका जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो ट्रिगर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हार्डवेयर जो भी रिसोर्सेस है, सिस्टम का रिसोर्सेस है, उसको टेम्पररी समय के लिए, ये टेम्पररी टाइम के लिए अपने यूज के लिए अलोकेट करवा लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और जब वापस से इंटरप्ट जो है ये फिनिश हो जाता है तो इसको फिर रिज्यूम कर दिया जाता है, जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होती है उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर वापस सीपीयू दे दिया जाता है। ठीक है, और जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग में भी हमारा जो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच का ट्रिगर ऑन होता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग में सारे प्रोसेस को इक्वल समय के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। सपोज करिए कि हमारे रेडी क्यू में इस टाइम पे 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है तो सपोज करिए P1, P2, P3 और P4, इस टाइम पे रेडी क्यू में हमारे पास 4 प्रोसेस है। तो मल्टीटास्किंग जो है, अगर टाइम क्वांटम दो दो टाइम क्वांटम के लिए अगर चलेगा तो P1 सपोज करिए कि P1 जो है, P1 पहले दो दो टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद फिर हमारा P2 2 टाइम्स के लिए चलेगा, फिर P3 2 टाइम्स के लिए चलेगा, P4 फिर 2 टाइम्स के लिए चलेगा, और वापस से फिर हमारा जो टर्म है वो P1 के पास आएगा और फिर P1 2 टाइम्स के लिए चलेगा, और ये जो स्विचिंग का जो कंसेप्ट है ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर जाती। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीटास्किंग का कंसेप्ट है। ठीक है, अब जो जो लास्ट है, जो इसका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो ट्रिगर है वो ऑन होता है, वो जब हमारे यूजर प्रोग्राम का यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विचिंग होता है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच का ट्रिगर ऑन होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया शेड्यूलिंग, जो शेड्यूलर का जो कंसेप्ट था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, बेसिकली ये 3 टाइप का जो शेड्यूलर था उसको डिस्कस किया। फिर हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का जो कंसेप्ट है उसको डिस्कस किया। फिर हमने शेड्यूलर और डिस्पैचर का जो कंसेप्ट था उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सीपीयू एल्गोरिदम है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।